बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कहानी एक सरकारी ऑफिसर की दिल दहला देने वाली मौत की दास्तान। आइए जानते हैं ये सरकारी मुलाजिम कौन थे और उनकी मौत की सूरत में उनके साथ जो इबरतनाक वाकया पेश आया वो क्या था। कैसे उनकी एक ही कमरे में तरप तरप कर जान गई, लेकिन तीन बेटे के होते हुए कोई उसे देखने वाला न था। आइए जानते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस सबक आमोज वाक्य को पूरा सुनकर सबक हासिल करें। वो खुद एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी मुलाजिम था। उसके तीन बेटे थे। तीनों सोने के चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना जिंदगी गुजारी। वक्त तेजी से गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हो गई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ उठाया। कहते थे, हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप 22 ग्रेड का ऑफिसर है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे और बनते भी रहे। एक टेलीफोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वह दिन आ गया जब बेटे भूल गए ये वही बाप है जिसके नाम और ओहदे की वजह से लोग हमें सरसर कहते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा, अब्बा की माल और जायदाद की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाए। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग हमें क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा पड़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल उनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं जो इनका ख्याल रखेगा, 20,000 महाना देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फर्श पर गद्दा लगा दिया गया। नौकर को कहा गया, उसका पूरा ख्याल रखना, हमें शिकायत न मिले। इसके बाद बेटों की शादियाँ हो गई। एक ने गर्मी की छुट्टियाँ गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का, तीसरे ने पेरिस का, और हर जगह अपना तारुफ 22 ग्रेड ऑफिसर के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना, वक्त पर खाना देना। और फिर सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में परे सांस लेता रहा, न चल सकता, न खुद से कुछ मांग सकता। नौकर घर को ताला लगा कर बाजार से ब्रेड लेने गया। उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमे से होश में दोबारा न आ सका और उसकी वहीं मौत हो गई। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगा कर चाबियाँ साथ लेकर गए थे। मुलाजिम उस कमरे को ताला लगा कर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड ऑफिसर कमरे में लॉक हो चुका था। वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद बेटे वापस आए और ताला तोड़ कर कमरा खोला तो लाश की हालत वो हो चुकी थी कि बेटों का देख कर दिल दहल गया। मोहतरम ख्वातीन हजरात, इबरत का मकाम है ये वाकया। हम किस तरह अपने औलाद के लिए हलाल और हराम की परवाह किए बगैर उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदाद बनाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अजमत है। हर इंसान जो बोता है उसी का फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की असल ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला, कहीं हम भी दौलत कमाने के नशे में अपनी औलाद के तालीम को फरामोश तो नहीं कर बैठे। याद रखिए, जब तक कि हम अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम नहीं दिलवाते, ऐसे वाकयात आए दिन हमें दरपेश होंगे। हमारा मुआशरा दिन ब दिन यूरोप के रंग में रंगा जा रहा है। आए अहद करते हैं
कि हम अपने घरों में इस्लाम की तालीम को आम करते हैं। हम अपने घरों में इस्लाम की तालीमात को दोबारा से ज़िंदा करते हैं कि शायद हम निजात पा सकें। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, अपना खूब ख्याल रखें और अपनी दुआ में ज़रूर याद करें। मुझे दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।